फरवरी की 8 तारीख 2022 में सचिन आपका वेलकम करता हूँ गार्डनिंग बॉय यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, बाहर के दिन चालू हो गए हैं, 15 फरवरी से बाहर के दिन लग जाएंगे और अब हमें अपने समर के लिए अपने प्लांटों को तैयार करना है। देख सकते हैं इनमें नई ग्रोथ चालू हो गई है, देख सकते हैं। तो अब इससे संकेत मिलता है कि बाहर के दिन आ गए हैं। जैसे ही मौसम में गर्माहट आने लगती है तो जो सोए हुए हमारे पौधे हैं समर के, वो जागने लगते हैं। तो अब इनको हमें फीडिंग भी देनी है, इनकी अच्छे से देखरेख करनी है ताकि ये समर में अच्छे से फ्लावरिंग करें और हमारे टेरेस गार्डन या बालकनी को खूबसूरत बनाएँ। तो आज हम इन पर कुछ काम करेंगे, तो आप भी देख सकते हैं, आप भी अपने प्लांटों के संग ये काम करें ज़रूर। तो जितनी भी इसमें घास लगी हुई है ये हम रिमूव करेंगे और जितनी भी ब्रांचें जो देख सकते हैं फालतू की हैं इनको हम कट करेंगे। इससे घबराने की बात नहीं है, इससे हमारा प्लांट को कोई भी ऐसा नुकसान नहीं होगा। तो आप ये सब काम बाहर के दिन में या बरसात के दिन में नीडर होके करिए, इससे प्लांट को कोई दिक्कत नहीं है। और बोगनविलिया ये सब जंगली पौधे होते तो इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और जैसे कि गुड़हल देख सकते हैं, तो जितनी हम प्रूनिंग करेंगे उतनी ही इसमें जाके अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो कैंची हमने उठा ली है, तो आप पे भी अगर ऐसे बड़ी कैंची है तो ले सकते हैं या फिर आप मार्केट से कटर ले सकते हैं जो कि 200 रुपीज़ का आपको किसी भी नर्सरी पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसी से मैं अपनी ब्रांचे जितनी भी ये हैं जो फालतू की स्टेम है ये मैं कट करूँगा। देख सकते हैं ये बहुत ही गलत अंदाज से बढ़ रही हैं और एक पौधे को अच्छी सी हम शेप देने की कोशिश करेंगे ताकि जब समर आए तो इस पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो। अगर हम किसी एक स्टेम को काटते हैं तो वहाँ से कई निकलती हैं, इससे पौधा घना होता है और जितना पौधा घना होगा उतनी अच्छे से उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होएगी और उसमें फ्रूटिंग भी होगी। तो आप खूब अपने पौधों की प्रूनिंग करें, आप बिल्कुल भी डरे ना कि प्रूनिंग से हमारे पौधा जो है ख़राब हो जाएगा। आप जितनी उसकी प्रूनिंग करेंगे उतने ही आपका प्लांट घना होगा और उतनी ही ज़्यादा उस पर फ्लावरिंग या फ्रूटिंग होगी। तो मैं देख सकते हैं मैं अक्सर प्रूनिंग या तो बाहर के दिन में या फिर मैं जब बरसात का टाइम आता है जुलाई तब मैं करता हूँ अपने प्लांट की प्रूनिंग। तो देख सकते हैं ये बहुत ही घने प्लांट हो गए। अभी मैं इनकी सारा जितना भी कटिंग है ये काट के हटाऊँगा तो देख सकते हैं कितना सारा वेस्ट जो है कि निकलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनकी कटिंग कर रहे हैं और अगर इनकी यही कटिंग आप लगाना चाहते तो इस समय लगा सकते हैं, ये सब ग्रो हो जाएंगी। तो आप इनको कटिंग करके इन सबको लगा दें और दोबारा से आपके दूसरे प्लांट भी तैयार हो जाएंगे। सही समय जो है बरसात होता है तो आप लगा सकते हैं, इस समय आपको 50% रिजल्ट मिल सकता है, पर जो बरसात में आपको 80-90% रिजल्ट मिलता है अगर आप कटिंग लगाते हैं। तो देख सकते हैं मैंने अपने सारे प्लांट की कटिंग कर ली है, मेरे को कैमरा रोकना पड़ा। दोस्तों देख सकते हैं अब हमारे प्लांट सारे ही प्रूनिंग हो चुकी है, अब इनकी ग्रोथ नए स्टार्ट होएगी। अब इनमें हम नेक्स्ट वीक से इसमें हम फर्टिलाइज़र देना शुरू करेंगे और इस कैंची की मदद से हमने सारे के सारे पौधों को कट कर लिया है। अब फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, इसकी नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आप मेरे प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में और देख सकते हैं यहाँ पे कितना ही सारा जो है कचरा निकला है। अब इन सबको मैं हटा दूँगा या इसको कंपोस्ट बना सकते हैं। तो जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक आप अपने पौधों को ऐसे ही तैयार कर लें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कैसे इनको फर्टिलाइज़र या फीडिंग इनको दे सके। एक लाइक करें, फिर मिलते हैं।